आज हम आपको एटलांटिस कॉफी मशीन की सेटिंग करना सिखाएंगे। जब पूरी हीटिंग हो जाए, मेक योर चॉइस लिखा हुआ आ जाए, तब आपको स्टॉप बटन को दबाए रखना है 3 से 4 सेकंड तक, जब तक यहाँ पे प्रोग्रामिंग मोड लिखा हुआ ना आ जाए। छोड़ना नहीं है, प्रोग्रामिंग मोड लिखा हुआ आ गया, हटा दीजिए। प्रीमिक्स वन का मतलब है जो भी आपने पहले में लगाया होगा उसको अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है, यानी आपको मटेरियल को गाढ़ा करना है या हल्का करना है। मान लीजिए आपको बढ़ाना है तो पहले से बढ़ेगा, दूसरे से घटेगा, तीसरे से सेव होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले से प्लस होगा, दूसरे से माइनस होगा, तीसरे से सेव होगा। सेव करना ज़रूरी है। फिर हमने इसको दबाया, प्रोग्रामिंग मोड आया, तब मैंने हाथ हटाया। अब अगर मेरे को बढ़ाना है, इससे बढ़ाया मैंने, सेव करना, और सेव किया, ऐसे सेविंग लिखा हुआ है। ये है वाटर। वाटर अगर आपका पानी ज़्यादा आ रहा है, आपको पानी कम ज़्यादा करना है, तो आप इससे बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी तरह पहले से बढ़ेगा, दूसरे से घटेगा, तीसरे से सेव होगा, तीसरे से सेव। मान लीजिए आपको दूसरे में कुछ नहीं करना है, आपको तीसरे में करना है, तो स्टॉप बटन से एक बार दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा, वाटर टू आ गया। अब इसी तरह हमको मान लीजिए 3 में करना है प्रीमिक्स या वाटर, तो ये बढ़ा, प्रीमिक्स थ्री आपका तीसरा कैनेस्टर है। मान लीजिए इसको कम करना है, तो आपने ऐसे सेटिंग कम किया ताकि आपका माल कुछ कम गिरे अगर ज़्यादा मीठा आ रहा है तो, और ऐसे सेव कर दिया। मान लीजिए पानी आपका ज़्यादा आ रहा है, पानी को कम करना हुआ या ज़्यादा करना हुआ, तो आपने ऐसे इससे घटाया, इससे अगर आप पानी बढ़ाया, जो भी आपका डिजायर्ड है क्वांटिटी, उससे सेव कर दिया। उसके बाद आप 10 सेकंड वेट करिएगा, ये प्रोग्रामिंग मोड से नॉर्मल डिस्प्ले वाले मोड में आ जाएगा, या फिर आप इसको धीरे धीरे दबाते रहिए जब तक कि एग्जिट लिखा हुआ ना आ जाए। एग्जिट आया, मैंने हटा दिया। अब आप देखेंगे आपकी सेटिंग हो गई होगी।